गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। नाउ इस क्लास में हम रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव एंड अदर नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे। फर्स्ट लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। इसको लोकेट करने से पहले एक बार यहाँ देखते हैं, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बेस को यहाँ पे 1 यूनिट के इक्वल लेते हैं ना, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट के इक्वल लेते हैं, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ x ले लिया ना, इसको x स्क्वायर इक्वल्स टू बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू रूट 2। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर बेस को हम 1 यूनिट लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेते हैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आता है रूट टू के इक्वल। तो इसी के बेस पर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रूट टू को रोटेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ओ लिया, ओ से लेकर ए तक हमने 1 यूनिट ले लिया, ओ ए इक्वल्स टू 1 यूनिट। नाउ हम पॉइंट ए पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना हमने 8 क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम बेस को 1 यूनिट लें तो परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट लेना पड़ेगा। तो हमने ए बी ओ ए इक्वल्स टू ए बी, इसको भी हमने 1 यूनिट इक्वल ले लिया। नाउ जॉइन ओ बी, जब हम बेस को 1 यूनिट ले रहे हैं परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले रहे हैं, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो रूट टू के इक्वल आता है। ओके, नाउ वी विल कट एन आर फ्रॉम द पॉइंट ओ इक्वल्स टू रेडियस ओबी। हम पॉइंट ओ से ओबी रेडियस के इक्वल एक आर कट करेंगे जो इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड दैट पॉइंट इज रूट टू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकेट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। अब इसको लोकेट करने से पहले हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस को रूट टू लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेते हैं, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, x square equals to 2 plus 1, x square equals to 3, square यहाँ से square टाइम के बाद जाएगा root 3, x equals to root 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब base हमारा root 2 होता है, perpendicular हमारा 1 होता है, तो हमारा hypotenuse होता है root 3 के equal। means यहाँ पे हमें root 2 तो जो हमने last question में भी process किया था root 2 तक बनाने का, वो हमें same करना है। OA 1 unit, यहाँ से perpendicular बन गया हमने, AB perpendicular है, AB को हमने 1 यूनिट के इक्वल ले लिया, तो ये जो हमारा फर्स्ट हाइपोटेन्यूज आया था रूट टू के इक्वल आया। अब हमें क्या करना है, OB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सेम होता है। यहाँ OB पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर के ऊपर हमें यहाँ लेना है इसको 1 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ हम देखते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBC बेस इज रूट टू एंड परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट, व्हेन वी जॉइन OC दिस इज इक्वल्स टू रूट 3। अब हमें क्या करना है, पॉइंट O से OC रेडियस के इक्वल एक आर्क कट करेंगे जो इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड दैट पॉइंट इज रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको लोकेट करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अब अगर हम यहाँ बेस को 2 यूनिट लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेते हैं, देखते हैं हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज 2 परपेंडिकुलर इज 1, देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 एंड 1 स्क्वायर 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 5, x इक्वल्स टू रूट 5। तो हमने यहाँ देखा था बेस को हम 2 यूनिट लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेते हैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आता है x, x जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया हुआ है रूट 5 के। तो इसी के बेस पर हम यहाँ देखते हैं नंबर लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन पे हमने
OH equals to humidity equation. सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर पॉइंट ए पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया. इस 90 डिग्री एंगल पर हमने AB equals to humidity equal आकर कर दिया. तो हमने यहाँ देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसपे बेस हमारा 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है. जब हम OB को जॉइन करेंगे तो 2 5 इक्वल आएगा. सेम प्रोसेस पॉइंट ए से हमने आर्क कट किया जो OB रेडियस के इक्वल होगा और वो इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज लूप 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेट लूप 10 ऑन द नंबर लाइन. इसको लोकेट करने के लिए हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया. इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बेस लिया 3 यूनिट एंड परपेंडिकुलर 1 यूनिट. तो यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. x पर हाइपोटेन्यूज वाला x बेस 3 है, परपेंडिकुलर 1 है. देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. x स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर हमारा 9 हो गया, 1 स्क्वायर 12 हो गया. x स्क्वायर 9 प्लस 1 10, x इक्वल्स टू रूट 10. तो हमने यहां देखा था बेस को 3 यूनिट लेते हैं, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते हैं, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आता है रूट 10 के इक्वल. वही हमने यहां पे लाइन ड्रॉ करी. इस लाइन पे हमने OA को लिया 3 यूनिट्स के इक्वल. पॉइंट A पे हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया. इस 90 डिग्री एंगल पे हमने AB इक्वल्स टू 1 यूनिट पर आर्क कर दिया. अब जब हम OB को जॉइन करेंगे तो हम देख रहे हैं यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसके अंदर हमारा बेस 3 यूनिट से परपेंडिकुलर 1 यूनिट है. तो अगर बेस हमारा 3 होगा पूरी का 1 होगा तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो 10 के इक्वल आएगा. अब हमें क्या करना है, पॉइंट O पर पॉइंट O से आर्क करना है OB रेडियस के इक्वल जो इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एंड दैट पॉइंट इज रूट 10. नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमें नेक्स्ट टॉपिक में. इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां देख रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर स्टैंड यहां पे हमारा इरेशनल नंबर है. इसको हमें रैशनल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिंगल डिजिट डिनोमिनेटर जो रैशनल नंबर है. हमें क्या करना है, यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नीचे हमारा रैशनल नंबर है वही नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. 1 into 2 7 तो हमारा रूट 7 आ गया. रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7. तो हमने क्या देखा है यहां पे, जो पहले डिनोमिनेटर हमारा रैशनल नंबर था वो रैशनल में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 upon root 7 minus root 6. सेम क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. यहां पे हमारे ये दिख रहे हैं इरेशनल नंबर की फॉर्म में डिनोमिनेटर में, इसको हम रैशनल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. यहां हमारे पास सिंगल नंबर रैशनल में, यहां पे बीच में के साइन के साथ हमारे पास रैशनल नंबर है. इस डेफिनेशन में हमें क्या करना होगा, जो यहां साइन को एक गिवन है उसका अपोजिट साइन लेके हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है. तो यहां देखते हैं रूट 7 और रूट 6 है बट हमारे पास यहां साइन माइनस का, तो उसके अपोजिट साइन लेना है जो कि प्लस है, वही हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 को अगर हम रूट 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर में देखते हैं जरा, रूट 7 माइनस रूट 6 रूट 7 प्लस रूट 6 एक आइडेंटिटी होती है जो हमने 8 क्लास में पढ़ी थी. ए माइनस बी ए प्लस बी ये होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस ए वाली एंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है. ए माइनस बी ए प्लस बी ए हमारे पास ये रूट 7 हो गया, बी रूट 6 हो गया. तो रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 स्क्वायर 7 एंड रूट 6 स्क्वायर 6 रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1. तो यहां पे देखा था जो हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर था और रैशनल में कन्वर्ट हो गया, देन द आंसर इज रूट 7 प्लस रूट 6. क्वेश्चन, इफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो यहां देखिए 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 यहां हमारा डिनोमिनेटर रैशनल फॉर्म है, इसको हम रैशनलाइज करके रैशनल में कन्वर्ट करते हैं जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था. इसका अपोजिट साइन हमें लेना है, तो यहां हमने इसका अपोजिट प्लस लेके 2 + √3 / 2 - √3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसका.
तीन वाला बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, राइट। तो ये यहाँ लिखा हमने, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी देखते हैं भाई, a प्लस बी ए माइनस बी इधर सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं उसको। यहाँ देखिए a माइनस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया एंड ए प्लस बी रूट 3 हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 2 स्क्वायर 4 रूट 6 स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 3, 2 स्क्वायर 4 रूट 6 स्क्वायर 3 टू टू द 4 4 रूट 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 3, 4 प्लस 3 हमारा हो गया 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 3, राइट। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब कंपेयर करते हैं देखते हैं जो ए है वो 7 के इक्वल जाएगा, देन ए इज इक्वल टू 7 एंड यहां देखिए रूट 3 यहां 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट 3 यहां बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस बी इज इक्वल टू हमारा हो गया 4, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसके बारे में हम एट क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसे देखते हैं एक बार। फर्स्ट a रेज़ टू पावर m इनटू a रेज़ टू पावर n, यहां देख रहे हैं कि बेस हमारा a है, एक्सपोनेंट हमारा m है, नेक्स्ट है हमारा बेस a पावर है, तो यहां देख पा रहे हैं कि हमारे बेस दोनों में सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है। देखो मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, a रेज़ टू पावर n प्लस n, नेक्स्ट a रेज़ टू पावर n अपॉन a रेज़ टू पावर n, यहां देख रहे हैं कि पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो डिवाइड में अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है, a रेज़ टू पावर n माइनस n, नेक्स्ट a रेज़ टू पावर n को रेज़ टू पावर n पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा हो गया a रेज़ टू पावर n इनटू n, नेक्स्ट a रेज़ टू पावर m इनटू b रेज़ टू पावर m, यहां देख रहे हैं हमारे बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम, तो हम इसको a इनटू b होल रेज़ टू पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि a के ऊपर पावर m और b के ऊपर पावर m, नेक्स्ट a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 में उसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल, नेक्स्ट है हमारा a रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 होगा, अगर किसी नंबर में पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, ये हमारे फॉर्म आ जाए। तो इस पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट है हमारा फाइंड करनी है वैल्यू 64 रेस टू पावर 1/2, अब 64 किस पे स्क्वायर होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 * 8 64, अब यहां देख रहे हैं पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, सेकेंड इज एफ रूट 6
plus 1 upon 2c minus 1 equals to a plus b root, then find the value of a and b. And third question is, find any value of 125 whole square. Let's see power 1 upon 3. 2 raised to power 2 upon 3 multiplied by 2 raised to power 1 by 5. And third is, 11 raised to power 1 upon 2 upon 11 raised to power 1 upon 4. So, yeah, homework. और इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।